हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो शादी वाली ग्रीन चटनी किसे नहीं पसंद, है ना? सबको पसंद होती है खाना, अगर आपको वो घर पे मिल जाए तो सही है ना। तो चलिए, आज मैं आप सबके लिए उसी की रेसिपी लेके आई हूँ। हम बिल्कुल ग्रीन चटनी बनाना सीखेंगे, एकदम टेस्टी, यूनिक, मतलब जैसे शादी का फ्लेवर होता है ना शादी में चटनी का, सेम वैसा ही फ्लेवर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे आप ले लो पुदीना और मिंट। जितना आप पुदीना लोगे ना उतना ही आपको यहाँ पे धनिया लेना है, ठीक है? मतलब दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद इन्हें अच्छे से साफ़ कर लो और वॉश कर लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा अनियन, ठीक है? यहाँ पे मैंने ना दो छोटे छोटे अनियंस लिए थे, ठीक है? उसके बाद ग्रीन चिलीज ली थी बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था गार्लिक, जिसे मैंने कट कर लिया था, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा मैंने लिया था हाफ इंचज़ का मैंने लिया था जिंजर। उसके बाद नींबू लिया था एक। बस यहाँ पे ये सब ले लेंगे। अभी हम लेंगे मिक्सिंग जार। तो हम मिक्सिंग जार ले लेंगे, उसमें सबसे पहले जो पुदीना और जो हमने धनिया रखा था ना वो इसमें डालेंगे। हमें इक्वल क्वांटिटी रखनी है इसकी, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस उसके बाद जो हमने ग्रीन चिलीज ली थी ना, मतलब 7-8 मैंने ली थी, उसके बाद ये गार्लिक और ये जिंजर, उसके बाद अनियन, ये सब इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो पीस जाए अच्छे से। बस इसे बंद करेंगे ढक्कन को, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? आपका भी ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा करके ऐसे ऐसे ब्लेंड करना। तो यहाँ पे ग्रीन चटनी जो होती है वो रेडी होती है, ठीक है? बट अभी यहाँ पे फुल रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ हाफ है। जैसे कि अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक भी डालेंगे। पहले मैं नींबू डाल लेती हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप जो होता है ना अमचूर, मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है? एक चम्मच वो डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने ना नींबू डाला एक चम्मच, वो थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट टेस्ट करके ही आप डालना, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक भी डाला है। अभी यहाँ पे 2 चम्मच मैंने कर्ड डाला था, ठीक है? ताकि थोड़ा सा ना इसकी ग्रेवी टाइप बन जाए, मतलब थिकनेस जो है कम हो जाए इसकी थोड़ी सी। तो ये देखो अब चटनी यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं 2 किस्म की चटनी आपको बताऊँगी। जैसे कि कई लोगों को जो है ना बिल्कुल डार्क वाली पसंद होती है, मतलब गाढ़ी वाली, बट कई लोगों को जो होती है दही वाली पसंद होती है। तो मैंने दोनों चटनी आपके लिए बताई हैं। तो यहाँ पे तो हमने पहले तो ये डार्क ग्रीन वाली चटनी हमने रेडी कर ली है, ठीक है? बट अब हम क्या करेंगे, सेम वही चटनी हम अलग कटोरी में निकालेंगे, जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। जैसे मैंने कटोरी ले ली है, इसमें 2-3 चम्मच मैं चटनी के डालूँगी, ठीक है? उसके बाद इसमें हम ना 3-4 चम्मच दही डालेंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर लाइट होगा और ये लाइट ग्रीन वाली चटनी बनेगी आपकी। तो डार्क ग्रीन वाली चटनी का भी सेम वो प्रोसीजर होता है और लाइट ग्रीन वाली का भी ये होता है, बस उसमें दही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों चटनी जो है रेडी हो गई हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आता है। आप इसे पनीर टिक्का के साथ ले सकते हो, डेली खाने के साथ भी ले सकते हो, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। और जल्दी बनने वाली चटनी है और एकदम जैसे शादी में हम खाते हैं ना वैसा फ्लेवर आता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।